कितना खाता है, कितना खाता है। 10 मिनट पहले यहाँ 20 स्लाइस थे, अब 2 हो गए। अब खाओ बेटे, खाओ, बटर लगाओ, लगाओ। ये लो, दूध पी लो। मुझे एक बात बताओ, अपने डैडी से शादी क्यों की? इस बात का तुझे भी ताज्जुब हो रहा है ना? बताओ ना मम्मी। लेकिन तू ये सवाल क्यों कर रहा है? वो पड़ोस वाला मक्कू है ना, वो कहता है उसके डैडी ने उसे मम्मी से शादी की क्योंकि वो उसके पीछे पागल हो गए थे। मेरे भी कुछ ऐसी ही वजह थी। अच्छा, मैं ऑलरेडी पागल थी इसीलिए तेरे डैडी से शादी कर ली, और शादी के बाद मैं पागल हो गया। आप दोनों ऐसे मत कहिए वरना लोग मुझ पर भी शक करने लगेंगे। शट अप बिटिया, शट अप, नाश्ता करो। हमेशा अपनी मम्मी की तरह फालतू सवाल करता रहता है। अरे मम्मी, डैडी आपको ताने मार रहे हैं। और आता क्या है? डैडी देखो मम्मी ने क्या कहा। जैसे तुम्हारी मम्मी को बहुत कुछ आता है। आएगा तब ना जब तुम मुझे कुछ करने दोगे। हाँ तो करो ना, मैंने कब मना किया है? मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या कर सकती हो। मम्मी, डैडी आपको चैलेंज कर रहे हैं। ए केशु, मुझे चैलेंज नहीं करना, नहीं करना, नहीं तो तुमसे दुगना तिगना कमा के फोड़ डालूंगी मैं तुम्हें। डैडी बस नहीं कमाते आप। शट अप, शट अप, क्या पागल हो जैसी बातें कर रही हो? पैसा कमाना क्या आसान बात है? अरे जाओ जाओ, पैसा कमाना क्या हर चीज आसान हो सकती है। सिर्फ पति का कोऑपरेशन चाहिए। जाकर मोहल्ले में देखो, मोहल्ले की हर औरत आजकल कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमा रही है। वो तारा, तारा टाइपिस्ट बन गई है। पुष्पा पापड़ बेचती है। पुष्पा, शराब केशु। और तुम्हारी प्रेमा शालिनी तो फिल्मों में एक्टिंग करती है। पैसे कितने मिलते हैं वो बात अलग है। क्यों, तुम्हें प्रेमा जी की आमदनी पर शक क्यों है? इसलिए कि पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ उसके यहाँ एक बार भी इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ी है। क्या मतलब? मतलब साफ है केशु, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितना वो दिखाती है। ठीक है ठीक है, ऐसा कह के प्रेमा जी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? आगे बोलो। आगे क्या बोलूं? चंपा को देखो, टेलरिंग सीख के पैसे कमा रही है। अरे मम्मी, आप तो जमुना दीदी को भूल गई। अरे हाँ, अरे चिंटू, यू आर राइट। जमुना ने तो आजकल घर घर जाकर साड़ियाँ बेचने का बिजनेस शुरू किया है। कोकी, अरे आओ जमुना, आओ। लो, आ गई है तुम्हारी सेल्स गर्ल। कोकी, ये देखो, मैं 2-3 नई साड़ियाँ लाई हूँ। ए जमुना, तुझे ये तेरा सड़ा हुआ माल बेचने के लिए मेरा ही घर मिला। केशव जी, ये कोकी का भी घर है। लेकिन पैसे तो मेरी जेब से जाएंगे ना। तो क्या हुआ, बीबी के लिए 2-3 साड़ियाँ नहीं खरीद सकते? ये आपको चैलेंज कर रही है। अच्छा, इडियट, मुझे भरकर कब से आग में तेल डाले जा रहा है। केशु, केशु, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। अरे मम्मी, ये साड़ी भी तो कितनी अच्छी है। अरे हाँ, तो तू यहाँ से जा रहा है कि नहीं? अरे क्यों डांट रहे हो उस बेचारे को, ठीक ही तो कह रहा है, मैं इसे भी रख देती हूँ। अरे मम्मी, ये कलर की साड़ी ना कल मकरन की मम्मी ने भी पहनी थी। अच्छा, हाँ, मैं इसे भी रख लूँ? हाँ। तो फिर इसे भी रख लेना, फिर मैं कल बाजार से नया स्टॉक लेके आऊंगी। ठीक है, तू कह रही है तो मैं इसे भी रख देती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, इनकी प्राइस क्या है? ज्यादा नहीं है, केशव जी के बजट में आ जाएगी। लेकिन जमुना, तुमने मेरी कीमत क्या लगाई है? 15,000। या डॉल, तुम बालकनी में क्या कर रहे थे? डॉल, क्या हुआ कि हमारा टीवी का एंटेना है ना, एक पतंग के अंदर घुस गया। आई मीन, एक पतंग टीवी के अंदर घुस गई, एंटेना में घुस गई, तो मैं उसको निकाल रहा था। क्यों लपेट रहे हो देव? तुम कोकी जी की बालकनी में जाग रहे थे है ना? नहीं नहीं डॉल, वो तो बाय प्रोडक्ट था। बाय प्रोडक्ट? आई मीन, वो एक्चुअली मैं पतंग को निकाल रहा था, लेकिन बाय द वे मेरी नजर बालकनी में चली गई, तो वहाँ कोकी जी बाय द वे अपनी बाइक के साथ खड़ी हुई थी, तो मैं बाय द वे देख रहा था। बैठ रहे हो ना, तुम इतना ही शौक है उनकी तरफ झांकने का, तो जाओ उन्हीं के घर जाकर रहो उनके साथ। मेरा बस चले तो मैं आज ही चला जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि केकड़ा यहाँ पर आके रहना शुरू कर दे। केकड़े के बारे में ये कैसे कह सकते हो? अरे क्यों नहीं कह सकता, जब देखो यहीं पर तो होता है सुबह दोपहर शाम। पता कल क्या हुआ? गाँव से मेरे जग्गी अंकल का टेलीग्राम आया, तो पोस्टमैन केकड़े को हमारे घर का मेंबर समझ कर टेलीग्राम उसी को दे गया, और पट्टे ने ले भी लिया टेलीग्राम और साइन भी कर दिए फॉर दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना। बोलो, अब मैं बोलता हूँ। प्रेमा जी, कैसी हैं आप? टॉक ऑफ द डेविल केकु जी, आप तो 100 साल जिएंगे। 100 साल? यानी कि मुझे 100 साल तक इसको झेलना पड़ेगा? नहीं दिलरुबा, तू 100 साल तक कहाँ जीने वाला है? एनीवे प्रेमा जी, ये पोस्टमैन आपका रजिस्टर लेटर मुझे देकर गया है। देखो, मेरा रजिस्टर लेटर आपको भी देकर गया है? नहीं, वो पोस्टमैन हमेशा रजिस्टर लेटर करीब के रिश्तेदारों को देता है ना। एक्सक्यूज मी,
ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर लेटर है दिल। इनकम टैक्स? लेकिन डॉल हमारा टैक्स तो बिल्कुल क्लियर है ना। प्रेमा जी सावधान रहिएगा, आजकल इनकम टैक्स वाले बहुत ही छापे मार रहे हैं। ओके कुजे, मैं तो चाहती हूँ कि वो छापा मारे। आप चाहती हैं? कुछ कितनी पब्लिसिटी मिलती है इनकम टैक्स छापे से, 15 आर्टिकल्स भी आ जाए फिल्म मैगजीन में, लेकिन उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी एक इनकम टैक्स रेट से मिलती है। अरे प्रेमा जी, अगर इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो आपके घर का सारा सामान जब्त हो जाएगा। ओके गुजी, मेरे पास है ही क्या जब्त करने लायक? आई डोंट टेक एनीथिंग इन ब्लैक, मेरा तो सब कुछ क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट। तुम्हारा मतलब है व्हाइट एंड व्हाइट? आई गेस इट्स व्हाइट एंड व्हाइट। इनफैक्ट क्या गुजी, इतने एंबैरस हो जाएंगे छापा मारने के बाद, अपनी नाक रखने के लिए और मेरी नाक रखने के लिए 10-20 रुपए तिजोरी में छोड़ कर ही जाएंगे। केशव बुखले, प्रेमा जी के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। अरे फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइन के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो रही है और हमारी प्रेमा जी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड ही नहीं। क्या प्रेमा जी सक्सेसफुल नहीं है? उनके पास पैसे नहीं है? क्या वो अमीर नहीं है? है बाबा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे है, लेकिन इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, उनके यहाँ रेड तो नहीं डाल सकते। मेरा बस चले तो मैं वो भी करवा दूं। केशव, केशव जानते हो इस वक्त शर्मा साहब के केबिन में कौन बैठा है? उनकी साली। चल चलते हैं। बैठ बैठ, कौन बैठा है मालूम है? इनकम टैक्स ऑफिसर पी के खन्ना, जिसने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर छापा मारा है। अच्छा, फिर तो हमारा काम हो गया गोखले। चल चलते हैं उसके पास, प्रेमा जी को सक्सेसफुल करते हैं। चलो मिस्टर खन्ना, और कोई पेपर चाहिए? नहीं शर्मा जी, थैंक यू, इतनी डिटेल्स काफी है। अच्छा जी, तो फिर मैं निकलूं? अजी मिस्टर खन्ना, ये तो बताइए कि आज कौन सी फिल्मी हस्ती के यहाँ डाका डालने जा रहे हैं? जी मेरा मतलब है कि छापा मारने जा रहे हैं। शर्मा जी, कुछ नाम है हमारे हिट लिस्ट पर, लेकिन वो नाम मैं आपको बता नहीं सकता। अजी आपस में बताने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं शर्मा जी, पिछली बार एक फिल्म एक्टर के फ्लैट में छापा मारने से पहले मैंने अपनी बीवी सोनाली को कॉन्फिडेंस में लिया। मुझे पता चला था कि उस एक्टर के फ्लैट के बाथरूम में सोना छुपाया हुआ है, लेकिन पता है क्या निकला? क्या? मेरी बीवी। आप क्या कहते हैं, सोने की जगह सोनाली? अरे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बीवी उस एक्टर की बीवी की फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, खैर ये तो बताइए कि आपका आज का टारगेट कहीं हमारी प्रेमा शालिनी तो नहीं है? नहीं 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 शर्मा जी, सरप्राइजिंगली उसका रिकॉर्ड तो एकदम क्लीन है। वो बराबर रिटर्न फाइल करती है, टैक्स जमा कराती है। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आए? दरवाजे से आए सर। बुलाया किसने? सर अच्छे कर्मचारी अधिकारी के बुलावे का इंतजार कभी नहीं करते। सोचा कुछ काम होगा तो बुलावे का इंतजार क्यों करें? क्यों करें? फालतू बात मत करो, अपने टेबल पर जाओ, जो पेंडिंग है वो काम करो, जाओ। सर पेंडिंग काम का ही तो टेंशन है, हम आपसे ये पूछने आए हैं सर कि इस साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया? मेरे इनकम टैक्स की चिंता तुमको क्यों हो रही है? नहीं सर, पिछले साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था तो आप काफी टेंशन में थे, रेड हो जाएगी रेड हो जाएगी। हाँ शर्मा साहब, अभी अभी प्रेमा जी का फोन आया था कि आपने अपनी कंपनी के एड फिल्म के लिए जो प्रेमा जी को ब्लैक का पेमेंट किया है 4 लाख रुपए, वो इनकम टैक्स वालों से ना कहना। ये बात तुझे यही बताना था? जरूरी था सर, जरूरी था। अगर प्रेमा जी के यहाँ इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो क्रॉस इंक्वायरी में हम सभी चपेटे में आ जाएंगे। प्रेमा चारिनी क्या कोई रेड वेड नहीं पड़ने वाला है, उसका रिकॉर्ड क्लीन है। चल जाने दे केशव, प्रेमा जी के बारे में हमें क्या बात करनी है? चल जाने दे, छोड़ना हमको, क्या लेना देना। चल वो काला पैसा छुपाए या गोरा, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एक्सक्यूज मी, क्या वाकई प्रेमा जी ने अपने घर में काला पैसा छुपाया है? ओ मिस्टर, आप कौन है? प्रेमा जी के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, यू ही जस्ट क्यूरियोसिटी। वैसे मैं भी उनका
आप फैन हूँ। फैन है फिर तो अपने वाला है, पिया हुआ है। दरअसल बात ये है ना, बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है, एंड एज यू नो मिस्टर के आजकल फिल्म एक मिनट सर, आजकल फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस तो वो क्या ब्लैक का पैसा जो होता है वो छुपाते ही है। दरअसल ये बात है सर, प्रेमा जी ने बाथरूम के अंदर कुकरनी। बराबर है केशव, बराबर है। अगर प्रेमा जी ने तुम्हें कुछ बातें कॉन्फिडेंस में लेकर कही है तो वो इन सबके सामने कहने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अरे बाबा जाओ ना, अपना काम करो ना। हाँ ठीक है चलते हैं। वैसे वो वैसे बाथरूम में वो सब तो रहता ही है, ये भी खंडा साहब इन दोनों भिकमंगों की बात पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए शर्मा जी अब मैं निकलता हूँ। क्यों नाराज है क्या? पी के गन्ना साहब खन्ने का रस पियेंगे, मतलब खन्ने का रस पियेंगे। अब इस पीके को पीने के लिए मत रोकिए शर्मा जी, अब मुझे ऑफिस जाना है और कुछ रिकॉर्ड्स चेक करना है। बाय बाय। ओके ये देखो मैं साड़ियों का नया स्टॉक लाई हूँ। अरे हाँ जमुना, तुम तो सारी दुकान उठा कर यहाँ लाई हो। घर पे और 300 साड़ियाँ है। 300 साड़ियाँ? इतनी साड़ियाँ बिक जाएंगी? अरे नहीं बिकी तो मैं पहनूंगी। खैर बोल नए स्टॉक में से तुझे कौन सी साड़ी चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो पिछली जो 4 साड़ियाँ ली है ना मैंने तुमसे, उसके तो पैसे देने दो। अरे पैसे कौन मांग रहा है तुमसे? तो क्या तुम मुझे फ्री में दोगी? नहीं, अगर तुम मेरे साथ कमीशन बेसिस पर बिजनेस करने के लिए तैयार हो ना तो वो 4 साड़ियाँ तुम्हें मैं फ्री दे दूंगी। सच? हाँ, और ऊपर से हर एक साड़ी के सेल पर 10% कमीशन मिलेगा। क्या कहती हो? तो भिजवा दूँ वो 300 साड़ियाँ? नहीं 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 नहीं, अगर केशु ने देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोच लो कि 10,000 रुपयों के पीछे 1,000 रुपया मिलेगा। 1,000? मतलब तुम केशव से ज्यादा कमा सकती हो। लेकिन मुझसे कौन साड़ियाँ खरीदेगा? अरे तुम्हें कौन मना करेगा? हेलो कोकी जी। हेलो दिलरुबा जी। अरे तुमसे तो दिलरुबा जी भी साड़ी खरीदेंगे। ए जमुना की बच्ची, मैं साड़ियाँ नहीं पहनता, मैं तो कोकी जी से चुटकी भर नमक लेने आया हूँ। तो आइए ना, थोड़ी नमक हलाली कीजिए, कोकी से 2-3 साड़ियाँ खरीद लीजिए। कोकी जी से? हाँ, हाँ। मेरे साथ साड़ियों का बिजनेस कर रही है। सच कोकी जी? हाँ दिलरुबा जी, लेकिन ये बात आप केशु से नहीं कहिएगा। खरीदेंगे ना आप मेरे से साड़ियाँ? कोकी जी मैं सबकी सब साड़ियाँ खरीद लेता, लेकिन क्या करूँ, आज महीने की आखिरी तारीख है और मेरी जेब में एक या पैसा भी नहीं है। भाई गॉड कह रहा हूँ, भाई भाई मदर, भाई फादर। हाँ ठीक है मैं समझ गई, लेकिन आपसे पैसे मांग कौन रहा है? आप ये सारी साड़ियाँ लेकर जाइए और पैसे बाद में आराम से भेज दीजिए। लेकिन कोकी जी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई साड़ी पहनता ही नहीं है। आप तो जानती हैं डॉल ने शादी के 7 फेरे भी जीन्स पहन कर लिए थे और मैंने पजामे में। हाँ तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये साड़ियाँ किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं या तो फिर बेच सकते हैं। हाँ प्रेमा जी को भी तो लगेगा ना कि आप कुछ कमा रहे हैं। क्यों कैसा है आइडिया? ये आइडिया अच्छा लगा मुझे दिलरुबा जी, अब मेरे पार्टनर बन जाइए ना। कोकी जी मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर केकू जी का क्या होगा? केकू जी यही रहेंगे, मैं बिजनेस पार्टनर की बात कर रही हूँ। ओह दैट वे। यस दैट वे। तो भिजवा दो सारी साड़ियाँ घर पे, और कुछ फैंसी गहने चप्पल सैंडल भी है। अरे ये इतना माल भिजवाएंगे आप तो ये सारे के सारे सैंडल जो है ना डॉल मेरे सर पे दे मारेगी। कम ऑन दिलरुबा जी, आप उसे बताते ही क्यों, आप उसे सरप्राइज कीजिए ना कि आपने भी कितना माल कमाया है। लेकिन कोकी जी 300 साड़ियाँ सैंडल ज्वेलरी, मैं इतना माल कहाँ रखूंगा? ये लो बेडरूम में बेड के नीचे, हमेशा ब्लैक का माल बेड के नीचे ही छुपाते हैं। अच्छा हाँ। फिर आप क्यों नहीं छुपाती बेड के नीचे? वो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या? कई बार इमरजेंसी में खुद केशु को बेड के नीचे छुपना पड़ता है। अरे बाबा शर्म मत दीवाना, लड़का हो या लड़की हो गाए यही गाना, दिल मा के देना दिल मा के देना। ऐसे ही शर्मा जी। अरे आप अचानक कैसे तशरीफ ले आए जनाब? हाँ बस यूं ही, आपको बताने आया था कि आपके स्टाफ में प्रेमा जी के बारे में गलतफहमी है। अरे इनकम टैक्स रिकॉर्ड उनका एकदम क्लीन है। केशव 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 क्या है गोखले, क्या है? केशव वो इनकम टैक्स ऑफिसर फिर एक बार शर्मा साहब के केबिन में आया है। अरे छोड़ गोखले, वो कोई काम का आदमी नहीं है, रेड वेड तो करता नहीं। मुझे तो लगता है वो कोई भाड़े के सूट वाला नकली इनकम टैक्स ऑफिसर है। लगता है केशव हमारे नाटक का उस पर कोई असर नहीं हुआ, या तो वाकई प्रेमा जी का रिकॉर्ड क्लीन है। अरे रिकॉर्ड क्लीन तो क्या हुआ, प्रेमा जी का फिल्म एक्ट्रेस नहीं है? और एक कामयाब फिल्म एक्ट्रेस के लिए जरूरी होता है कि उसके घर में इनकम टैक्स की रेड गिरे। ये बात है, तो चल और एक बार उस इनकम टैक्स ऑफिसर पर रेड मारते हैं। हां चलो, प्रेमा जी की इज्जत का सवाल है, चल। लेकिन केशव का छोटा सीधा हो गया तो प्रेमा जी बदनाम हो जाएगी। देख गोखले एक बात ध्यान से सुन ले,
फिल्म इंडस्ट्री में इज्जत उसी को मिलती है जिसकी इज्जत दांव पर लगती है। ये बात है। यस। तो चल चल आज प्रेमा जी का चक्कर चला ही देते हैं। ओके। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जनाब कि इन भिकमंगों की बात पर ध्यान मत दीजिए, ये ऑफिस का काम छोड़कर दुनिया के सारे खोटे धंधे करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आए? कैसे आए? अरे चल के आए सर। वो आए तो क्या है, प्रेमा जी का एक मैसेज आया है केशव के पास। कैसा मैसेज? सर प्रेमा जी ने मैसेज भेजा है कि आजकल वो फिल्मों में 40% चेक से पैसे लेती है और 60% ब्लैक के पैसे लेती है। क्या कहते हैं आप? अरे आप क्यों इतने चौंके? नहीं नहीं, यू 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 जस्ट क्यूरियोसिटी। और शर्मा जी आप नहीं मानेंगे, कल प्रेमा जी के यहाँ मैं गया था ना तो उसका हस्बैंड सोने की थाली में चांदी का खाना खा रहा था। केशव तू क्या बातें कर रहा है, कहीं इनकम टैक्स वालों ने सुन लिया तो प्रेमा जी के घर पर छापा पड़ेगा। अरे समझ में नहीं आता कि तुम यहीं पर आकर प्रेमा जी की चिंता क्यों करते हो। ठहरे मैं उनको फोन करता हूँ कि केशव गोखले आपके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। हम चलते नहीं तो एक्सक्यूज मी, ये बात आप किसी को बताइएगा मत। क्या इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो यू नो इनकम टैक्स ऑफिसर तो एक नंबर के। मालूम है। अच्छा हम चलते सर। चलिए अब मैं भी निकलता हूँ शर्मा जी। अरे क्या यार हरदम नाराज होते रहते हो, क्या बात हो गई? गन्ना साहब खन्ने का रस पियेंगे? गन्ने का रस पियेंगे? ये पीके को पीने के लिए मत रोकिए, अब मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरे सीनियर से मैं मशवरा लूंगा, मुझे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, समझे? तब देखो तब रिकॉर्ड्स चेक करने की धमकी देते हो, तब करो रिकॉर्ड चेक। क्या कर लोगे, खा लोगे मुझे, बाहर यहां से, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। आप मुझे क्या केसो समझते हैं? एक मंगा कहीं का एक, 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 एक। उठाओ 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 उठाओ, हर तरह की साड़ी रस्ते के माल सस्ते में, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, बनारसी सिल्क, पटोला सिल्क, कोटा सिल्क, ढाका सिल्क, हर तरह की साड़ी केवल 3000 रुपए में। लौट कमाल है, लौट कमाल है, लौट कमाल है, लौट कमाल है, आज आया हूँ कल लौट के नहीं आऊंगा। भैया अच्छी साड़ी है, अच्छी है, बहुत ही अच्छी। हाँ ये देखना कितनी बढ़िया साड़ी है, देख। लेकिन यार केशव ये यहाँ से वो ऐसी नहीं। अरे नहीं वो फॉल बिडिंग करेंगे तो अच्छी हो जाएगी ना, और इसके साथ अगर मैचिंग ब्लाउज पीस लिया ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन यार ये जरा से लूज है। इडियट, साड़ियाँ लूज ही होती है, फ्री साइज होती है, कोई भी पहन सकता है, है ना माजी? हाँ कोई भी पहन सकते हैं, आप भी पहन सकते हैं। छोड़ ना यार, छोड़ केशव, देख कल मेरी बीवी का बर्थडे है, ये रस्ते का माल सस्ते में ले लेते, 200 की लेकर 800 की बताऊंगा। अरे लेने का तो लो, इधर गर्दी मत करो, धंधे के टाइम है। ये साड़ी वाला कोई जाना पहचाना लगता है, देख वो अपना मुंह भी छुपा रहा है, देख। अरे किसी औरत ने पीटा होगा। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है गोखले, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मुझे तो लगता है ये दिलरुबा है। दिलरुबा में इतना टैलेंट कहाँ? अरे रस्ते पे साड़ियाँ बेचना इतना आसान काम नहीं। अरे ग्राहक जल्दी पटता नहीं है गोखले, जिसने प्रेमा शालिनी को पटाया है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, समझा क्या? ये बात है तो अभी पता चलेगा क्या साड़ी के पीछे क्या है। साड़ी के पीछे क्या है? गाड़ी आ गई, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ गई। क्या कह रहे हो अंकित जी, दिल और साड़ियां बेच रहा था? हाँ प्रेमा जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी रास्ते पर? हाँ अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अभी इसी वक्त गोखले को फोन करके पूछ लीजिए। केको जी तो फिर मुंह मीठा कीजिए ना। मुंह मीठा? हाँ। मतलब दिलरुबा जी रास्ते पर साड़ियाँ बेच रहे, इस बात की आपको खुशी है? केको जी मुझे तो इस बात की खुशी है कि दिल ने कुछ काम तो किया। आज तक तो मैं ये सोचती थी कि वो 100 मन अनाज का है, काम करना काज का है, लेकिन आज उसने प्रूव कर दिया अपने आप को। ये तो पासा उल्टा हो गया। जी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। केको जी अब मुझे एक बात समझ में आई है कि दिल घड़ी घड़ी ऐसे हिसाब क्यों करता था अपनी उंगलियों पर, और रात को बीच में उठकर चिल्लाता क्यों था जोर जोर से, जल्दी खरीद लो, लौट कमाल है, लौट कमाल है, यू नो। एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से प्रेमा शालिनी कौन है? आप है? मुझे प्रेमा शाली के नाम से जानते हैं क्यों? मैं हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर पी के खन्ना, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों, मेरा इनकम टैक्स तो बिल्कुल क्लियर है मिस्टर पी के खन्ना, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड व्हाइट। तो आप हमें अच्छी तरह से कोऑपरेट कर सकती है, प्लीज हमें आपके घर की तलाशी लेने दीजिए। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, आई डोंट माइंड, लेट्स गो। चलिए चलिए।
गोखले, गुड न्यूज, गुड न्यूज, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आज ही अखबार में खबर कर दो कि प्रेमा शालिनी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई है। क्यों मैडम, आप तो कह रही थी कि आपके पास कोई अनडिक्लेयर माल है ही नहीं, तो फिर ये सब क्या है, साड़ियाँ सेवर? ये मेरे नहीं है, ये तो मेरे हस्बैंड के हैं। यानी आपके पति साड़ियाँ और जेवर पहनते हैं? पहनते नहीं है, बेचते हैं। कमाल है, आप जैसी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस उसके शोर साड़ी और जेवर बेचते हैं। ये सब क्या है, तुम्हारे मायके से लोग आए हैं क्या? मायके से नहीं, ससुराल से आए हैं। देखो ना देव, हमारे इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है और ये सारा सामान पलंग के नीचे से पाया गया है। सर जी, पापा जी, ये सारा का सारा माल मैं बेचने के लिए लाया था। अच्छा, क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा सर, सच कह रहा हूँ। प्रेमा जी के घर पे रेड पड़ी है, बहुत सारी चीजें बरामद हुई है, कुछ जूते गहने वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी स्टार बनती थी। कुकी जी, सब गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ तो होने ही वाली थी ना, तुम फिल्म वाले कितना टैक्स पेंडिंग रखते हो, रेट तो पड़नी ही थी। बहुत सारा माल बरामद हुआ है ना? बहुत बहुत माल गया। ब्लैक का था ना? जितना भी था आपका था। क्या? जल्दी जल्दी रख दीजिए गाड़ी में। मिस्टर पीके, वेट अ मिनट, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरा माल नहीं है। तो फिर किसका है? मेरे हस्बैंड दिलरुबा का है, वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे थे। वेट, आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इनसे पूछिए, ये हमारे नेबर हैं, बहुत अच्छे नेबर हैं, मिस्टर कुलकर्णी, इनसे पूछिए, इन्होंने दिलरुबा को रास्ते में साड़ियाँ बेचते हुए देखा था। नहीं मैंने नहीं देखा था। What? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी, थैंक यू वेरी मच। छुपा के रखा है। गुड बाय कुलकर्णी। गुड बाय मैडम। ओके, गुड बाय प्रेमा जी। आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे? आप पूछिए। केकु जी, आप मेरे दोस्त है या दुश्मन? प्रेमा जी, उससे भी कई ज्यादा। केकु जी, आपने ये क्यों किया? प्रेमा जी, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पब्लिसिटी मिले। डॉल, वो लोग गए क्या? ओ दिल, वो लोग घर तुम्हारा माल भी साथ में लेकर चले गए और ये सब केकु जी की वजह से हुआ है। इन्हीं ने इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म किया था दिल कि तुम्हारा माल यहाँ पड़ा है। नहीं प्रेमा जी, ये सब दिल रुबा जी की वजह से हुआ है। हाँ? ये सारा माल घर में रखने की क्या जरूरत थी? हाँ? अरे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने जा रहा था। बिजनेसमैन? अब गया ना माल? अबे हंस मत, तू पहले 40,000 रुपए का इंतजाम कर। क्यों? जो तूने जमुना को देने हैं। जमुना को? लेकिन जमुना से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मिलोर्ड, बहुत गहरा ताल्लुक है। ये सारा का सारा माल कोकी जी का था, जो उन्होंने जमुना से लेकर मेरे पास रखने के लिए दिया था।